राज ठाकरे से मिले देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र की राजनीति में गर्म हुआ चर्चाओं का बाजार। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मेडिकल एजुकेशन विभाग के जरिए ओरल हेल्थ कमीशन शुरू किया है, जिसके लिए भारत रत्न सचिन तेंदुलकर से 5 साल का एग्रीमेंट किया है, वो भी फ्री में किया है। राज ठाकरे से मुलाकात पर फडणवीस ने कहा कि राज ठाकरे के साथ जो मुलाकात हुई वो राजनीतिक नहीं थी। मुंबई में पत्रकारों से बात करते हुए फडणवीस ने कहा कि पूरा उद्धव ठाकरे गुट ही असंतुष्ट है, वहाँ जितनी असंतुष्टि है उतनी ही और कहीं नहीं है। उन पर क्या कहना है आगे देखिए क्या होता है। क्या है इस बैठक के मायने। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सोमवार देर रात मनसे प्रमुख शिवतीर्थ स्थित आवास पर गए और राज ठाकरे से मुलाकात की। अचानक हुई इस मुलाकात से राजनीतिक हलकों में चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि दोनों नेताओं के बीच चर्चा के सटीक विषयों का कारण और पूरी जानकारी सामने नहीं आई है। क्या खत्म हो गई दरार। पिछले एक साल से राज्य में चल रही राजनीतिक उठापटक के बीच बीजेपी और राज ठाकरे के बीच नजदीकियां बढ़ गई थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों में राज ठाकरे ने कुछ मुद्दों पर बीजेपी की आलोचना की थी। बीजेपी नेताओं ने भी उन्हें करारा जवाब दिया था। इससे राजनीतिक हलकों में एक बार फिर दोनों पार्टियों के बीच अनबन की चर्चा शुरू हो गई थी। बैठक में क्या हुई चर्चा। बीजेपी और मनसे के बीच नजदीकियां बढ़ने के बाद मुंबई नगर निगम और आगामी चुनावों के लिए दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन की बात चल रही थी, लेकिन दोनों पक्षों के नेताओं ने कभी इसकी पुष्टि नहीं की। लेकिन अब राजनीतिक गलियारा इस बात को लेकर उत्सुक है कि देवेंद्र फडणवीस और राज ठाकरे के बीच बैठक में वास्तव में क्या चर्चा हुई।